पंजाबी से। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम पेट्रोल पंप पर जाएंगे और उसको बोलेंगे कि तुम 10 रुपए का पेट्रोल डाल दो। मज़ेदार बात ये नहीं है, बल्कि मज़ेदार बात तो ये है हम पेमेंट भी ऑनलाइन करेंगे 10 रुपए की। तो आइए चलते हैं। रास्ते में हमारे मन में बस एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि पेट्रोल पंप वाले का कैसा फेस रिएक्शन होगा जब हम उसको बोलेंगे कि हमें 10 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, और कैसा रिएक्शन तब होगा जब हम उसको बोलेंगे कि हम पेमेंट भी ऑनलाइन ही करेंगे। तो हम पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, फिर हम भाई के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं भाई 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। एक बार तो वो हंसता है और फिर देखता है कि यार वीडियो बन रही है, तो वीडियो के चक्कर में वो डाल देता है। पता नहीं वो क्या सोच रहा था मन में, बट वो डाल। वैसे भाई बोल रहा था बीच बीच में कि 10 रुपए का पेट्रोल कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, कुछ थोड़ा कम डलवा लो। हमने बोला नहीं, आज तो टंकी फुल करवानी है। अब बारी आती है पेमेंट करने की, तो हम बोलते हैं भाई को कि हम QR कोड से ही पेमेंट करेंगे। तो भाई हंसने लगा, बोला कि 10 रुपए की पेमेंट भी QR कोड से? तो हमने बोला हमें तो 10 रुपए की पेमेंट ही QR कोड से करनी है। तो आप देख सकते हो 10 रुपए की पेमेंट ही कर रहे हैं हम। तो भाई की वॉइस सुनिए, भाई क्या बोल रहा है। 10 रुपए का स्कैन कराते हो? फिर भाई से पूछते हैं कि किसी ने 10 रुपए का पेट्रोल डलवाया? फिर भाई बोलता है नहीं, आपने ही पहली बार डलवाया। फिर भाई को बोलते हैं बाय, और हम चलते हैं सीधा केले वाले की रेहड़ी के पास, और भाई को बोलते हैं कि तुम केले पैक कर दो, क्योंकि आज हमें गौ माता को केले खिलाने थे। तो हम भाई से केले पैक करवा लेते हैं। उसके बाद हम सीधा चलते हैं गौ माता को ढूँढने। वैसे तो मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि यहाँ पास में ही एक गौशाला है, आ जाओ उसमें चलते हैं, पर मैंने यार उसको मना कर दिया, क्योंकि जो गौशाला होती है उसमें तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, पर जो आवारा बाजार में गलियों में गांव में जो घूमती हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो मैंने बोला उनको कहीं पर ढूँढते हैं और फिर उनको ये केले खिलाएँगे। तो हम गलियों में हर जगह उनको ढूँढने। मेरे फ्रेंड ने बोला हमें कितनी देर हो गई गऊ को ढूंढते हुए, बट वो कहीं पे नहीं मिली हैं, तो आइए गौशाला में ही चलते हैं। मैंने उसको बोला कि गौशाला में नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही ढूंढेंगे आज, तू बस गलियों में नज़र रखना, हर गली में ध्यान रखना, जहाँ भी मिले देखना। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हम बाज़ार से बाहर आ चुके थे। फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम जनता कॉलेज की तरफ, वहाँ पर हमें कोई ना कोई गऊ माता ज़रूर मिल जाएगी। तो हम जनता कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपका जब भी हेल्प करने का मन होना तो बेसहारा पशु की ज़रूर हेल्प करना यार, क्योंकि इनका कोई नहीं होता है, ये ऐसे ही घूमती रहती हैं, थैली वगैरह खाती हैं, इससे अच्छा हम इनकी हेल्प करें। फिर रोड साइड पर अचानक मुझे गौवंश दिखाई देता है, तो मैं फटाफट अपनी बाइक को उनके पास रोकता हूँ और केलों की थैली को फाड़ता हूँ। आइए साथ में मिलकर इनको केले खिलाते हैं। वैसे मेरी शुरुआत से ही ये इच्छा रही है कि मैं गौ माता के लिए कुछ करूं। जो गौ माता आवारा घूमती है गलियों में शहरों में, वो या तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है रोड पर, या फिर वो कुछ थैली वगैरह या ऐसा जहरीला पदार्थ खा लेती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और जो फ़िलहाल गौशाला बनी हुई है अभी, अगर हम उन गौशाला में इनको छोड़ कर आते हैं, कुछ पैसे देकर आते हैं, तो वो कुछ टाइम तक तो इनको रखते हैं और फिर इनको बाहर निकाल देते हैं। हमें ऐसी गौशाला नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो ऐसी गौशाला चाहिए जिनमें इनके भोजन की अच्छी व्यवस्था हो, इनकी बीमारियों का अच्छे से इलाज हो सके। फ़िलहाल तो पैसे नहीं हैं, पर भविष्य में एक ऐसी ही गौशाला का निर्माण ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कॉमेंट में जय गौ माता ज़रूर लिखना। फिर मुझे याद आता है कि माँ ने सब्ज़ी लेने के लिए भी बोला था, तो मैं सीधा पहुँच जाता हूँ सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मुझे आज माँ के हाथों की मार नहीं खानी थी। तो आइए सब्ज़ी लेते हैं। फिर सब्ज़ी मंडी में मुझे मेरा दोस्त मिलता है जो कि सब्ज़ी बेच रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्त से ही आज सब्ज़ी ली जाए। तो मैंने आज अपने दोस्त से ही सब्ज़ी ली,
तो आज हमने त्योरी ली थी, तो भाई भी खुश हो गया था वीडियो देखकर। तो फिर हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए और फिर हम घर पर आ गए। आप सभी को आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।